लवकेश और अरमान के जाने के बाद जो है काफी ज्यादा फूट फूट के रोते हुए घर वाले नजर आए। जैसे कि लवकेश के जाने का दुख जो है सना मकबूल को बहुत हुआ, और अरमान मलिक के जाने का दुख जो है वो रणवीर और कृतिका मलिक को सबसे ज्यादा हुआ। पर बोलते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन, तो ये चीज तो इंडस्ट्री में बार बार बोली जाती है। और यहाँ पर अब सेलिब्रेशन होने वाली है, तो दोनों ने जो है तैयारी करनी शुरू कर दी है। और अरमान मलिक के जाने के बाद जो है कृतिका मलिक ने जो पहले ही डिसाइड किया था कपड़े पहनने का, वो ही कपड़े जो है वो पहन रही है। दुल्हन बन चुकी है अरमान मलिक के जाने के बाद, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही है। इवन सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है कृतिका मलिक ही लग रही है इस वक्त अगर देखा जाए तो। अरमान मलिक को अकेले छोड़ना नहीं चाहिए था अपनी बीवी को, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोग जो है तारीफ करेंगे, अभी पति है नहीं, तारीफ करेंगे तो आखिरकार फिर अंदर आके क्या मारते हुए घूमेंगे क्या। तो अब जो है सना मकबूल भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, सेलिब्रेशन में जा रही है, इसीलिए ब्लेजर जो है इन्होंने पहना है। तो सना मकबूल ने अपना ब्लेजर जो है वो मंगवाया था, लवकेश को पहले ही बोल रही थी कि मैं भी कैजुअल पहन रही हूँ, ब्लेजर जो है मैंने मंगवाया है, अगर शाम तक आ गया तो बहुत अच्छा है। तो अब जो है ब्लेजर सूट जो है वो भेज दिया गया है, तो सना मकबूल ने बहुत ही प्यारा ब्लेजर पहना है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सच में दीवा लग रही है। और वहीं पर जो कृतिका पिंक कलर का लहंगा पहन के दुल्हन बन चुकी है, तो कृतिका की मदद भी जो है सना मकबूल कर रही है। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि उन्होंने ब्लाउज लगाना था, हुक लगानी थी, सेफ्टी पिन लगाना था, तो सना मकबूल जो है काफ़ी ज़्यादा मदद कर रही है क्योंकि इस घर में एक ही लड़की है। और अब जो है इवन कृतिका के पति तो जा चुके हैं जो कि ब्लाउज की हुक जो है वो नहीं लगा पाएंगे, तो इन दोनों की जो है इस वक्त मदद एक दूसरे की दिखाई दे रही है। उदास तो थे दोनों, पर अभी शो मस्ट गो ऑन तो होता ही है ना, तो अभी सेलिब्रेशन स्टार्ट होने वाली है, तो दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा तैयार हो चुकी हैं और कृतिका बन चुकी है दुल्हन। कुछ ही देर में सेलिब्रेशन शुरू होगी, सेलिब्रेशन में क्या सब चीज़ें हो रही हैं लगातार आप तक पहुंचाती रहूंगी हर एक गॉसिप साथ में अपडेट मेरी वीडियो के जरिए।